हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द रेक्नो श्री चैनल और मैं श्रीराम पांडे। काफी दिनों के बाद आपका फिर स्वागत है एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल के कुछ एडवांटेजेस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो इंटरेस्टिंग, अरे यार पूरा वीडियो देख लो, मजा आएगा। और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और इस वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हो, फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो लेट्स गो। सो गाइज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए, सो मैं उसी के अकॉर्डिंग में आपको इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो पहला पॉइंट है यार, आपको किसी भी डीजल पेट्रोल गैस किसी चीज़ की लाइन में नहीं लगना है। आपको भाई आपका वो इलेक्ट्रिक व्हीकल घर पे ही आराम से चार्ज हो जाएगा आपको एकदम कन्वीनियंस के साथ। और जहाँ एक ट्रेडिशनल व्हीकल एक लीटर पेट्रोल या डीजल पे आपको 20 किलोमीटर मैं कहता हूँ यार 30 किलोमीटर थोड़ी लीनियंसी लेते हैं आपको उतना लेके जाएगा, वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की तो वो आपको एक चार्ज पे एटलीस्ट 80-85 किलोमीटर तक आपको ले ही जाएगा। मैं कार की बात कर रहा हूँ, डोंट डाउन। तो भाई इतना तो आपको लेके ही जाएगा, तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो अब अगर मैं बात करूँ दूसरे पॉइंट की तो वो है सेविंग्स। जहाँ यार आपको एक लीटर पेट्रोल करंट इंडियन मार्केट में यार 100 रुपये पहुँच ही गया है, लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आप अपने घर पे चार्ज कर सकते हैं, अपने घर के एक नॉर्मल सॉकेट बोर्ड से आप चार्ज कर सकते हैं। और इसका चार्जिंग का कॉस्ट भी आपको बहुत कम पड़ेगा एज कम्पेयर टू अ ट्रेडिशनल फ्यूल व्हीकल। उसके पेट्रोल का कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ेगा और आपको पहले तो उसे पेट्रोल पंप तक लेके जाने का प्रॉब्लम, इसे तो आप अपने घर में चार्ज कर सकते हैं बड़े ईजिली। सो गाइस बात करूँ अब मैं मेरे अगले पॉइंट की, तो वो है नो एमिशन। यार कोई एमिशन नहीं है। जहाँ एक इलेक्ट्रिक व्हीकल जब फ्यूल बर्न करता है तो उसके पीछे के साइलेंसर से धुआं निकलता हो आपने कई बार देखा होगा, कभी कभी थोड़ा पेट्रोल भी टपकता है, कभी कभी थोड़ा और इश्यूज होते हैं। सो यू नो इससे एनवायरनमेंट पोल्यूशन ज़्यादा होता है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल नो एनवायरनमेंट पोल्यूशन, एकदम मक्खन जैसा चलेगा यार, मक्खन जैसा एकदम स्मूथ एंड नो हार्म टू एनी एनवायरनमेंट सोर्सेज। सो ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल रखने का। अब गाइस इस बात करूँ मैं पॉपुलैरिटी की, तो भाई दिन पर दिन इसकी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती जा रही है। जहाँ आपने देखा होगा कुछ सालों पहले तक लोग ट्रेडिशनल फ्यूल वाले व्हीकल्स लेने पे प्रेफर करते थे, बट आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं। वो पॉपुलर भी होता जा रहा है थोड़ा, और अच्छा कन्वीनियंट भी दिखता है थोड़ा, यू नो इट्स मॉडर्न। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, इलेक्ट्रिक इज़ द फ्यूचर। सो यस दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल इज़ द फ्यूचर। सो ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है, ज़्यादा लोग इसे प्रेफर कर रहे हैं, ज़्यादा लोग लेना चाहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल। सो दैट्स द मेजर डिफरेंस बिटवीन द टू। सो गाइस अब मैं बात करूँ मेरी नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है सेफ टू ड्राइव। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी वो सारे टेस्ट सारे ही एनवायरमेंट से गुजरते हैं, सारे ही क्वालिटी टेस्ट क्वालिटी अश्योरेंस उनके ऊपर किए जाते हैं, जो कि नॉर्मल ट्रेडिशनल कार फ्यूल वाले व्हीकल पे किए जाते हैं। सो आपको इस बात की चिंता नहीं करनी होगी कि यार कहीं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई डैमेज ना करे, कोई मुसीबत मेरे लिए क्रिएट ना कर दे। नहीं, इट वुड बी द सेम एज आपका नॉर्मल कार होता है और आपको कोई इशू नहीं आएगा। इनफैक्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल आर इजी टू ड्राइव। यस, सो यही है मेरा नेक्स्ट पॉइंट, दे आर इजी टू ड्राइव। जहाँ ट्रेडिशनल व्हीकल्स में ज़्यादातर गियर सिस्टम होता ही है, अभी तो उसमें भी आ गए हैं ऑटो गियर वाले, बट हाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में नॉर्मली मीन्स ऑटो गियर वाले सिस्टम आते हैं। इसके अलावा आपको सब कुछ आपके कार के डैशबोर्ड पे मिल जाता है, उस स्क्रीन में या फिर जो भी आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल में हो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, मैप्स मिल जाएगा, नेविगेशन मिल जाएगा, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने ब्लूटूथ वाईफाई 4G जो भी है उन सबसे, और आप कनेक्टिविटी का भी आप मज़ा उठा सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो नए वाले जो आ रहे हैं वो दे आर इवन बेटर। और इसके अलावा आपको सारे फिटनेस के टेस्ट वो पास करके मिलते हैं, आपको मोस्टली एयरबैग्स तो मिल ही जाते हैं अभी नए वाले में, आपको सारे सेफ्टी फीचर्स मिल रहे हैं। तो आप फैमिली का कोई भी ड्राइव कर रहा हो, बड़े मीन्स बड़े हो आपकी मीन्स वुमेंस हो या आपके पेरेंट्स हो, सो आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी है कि यार उनके हिसाब से वो कन्वीनियंट बैठेगा या नहीं बैठेगा। इट इज़ वेरी मच ईजी एंड सेफ टू ड्राइव। सो गाइज बात करूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है कॉस्ट इफेक्टिव भी होते जा रहे हैं दिन पर दिन। मैंने ऐसा क्यों कहा दिन पर दिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा वीडियो के एंड में, बट स्टिल द सीन इज कि गवर्नमेंट आपको हर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे कुछ ना कुछ सब्सिडी दे देती है। मोस्टली अब तो हर स्टेट की गवर्नमेंट ने देना चालू कर दिया, जैसे कि दिल्ली गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा देती है
जहाँ तक मुझे पता है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट थोड़ी थर्ड फोर्थ रैंक पे आती है, बीच में आपको मीन्स बंगाल की गवर्नमेंट भी मिल जाती है, और भी बहुत सारी गवर्नमेंट है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे अच्छी सब्सिडी दे देती है आपको, तो आपको जो कॉस्ट है उसके ऊपर भी आपको थोड़ा और डिस्काउंट हो जाता है. सो डैट्स वन मोर थिंग, यानी कि जैसे आपने एक मोबाइल खरीदा और साथ में कैशबैक मिल गया यार, दैट्स अ गुड वन. सो गाइस अब अगर मैं बात करूँ मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है लो मेंटेनेंस, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मेंटेनेंस सच में बहुत ज़्यादा कम आती है. आपको ज़्यादा उसे यू नो बार बार उसकी सर्विसिंग नहीं करवानी पड़ेगी, ऑयलिंग नहीं करना पड़ेगा उसके. मेंटेनेंस एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल मीन्स नॉर्मल व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल ने 27% तक कम मेंटेनेंस होता है, या मैं कहूँ बहुत ही ज़्यादा कम मेंटेनेंस होता है. आपको बहुत कम इसकी सर्विसिंग करवानी पड़ेगी. सो बेसिकली ये आपके लिए थोड़ा यू नो फ्यूचर के हिसाब से अगर आप सोचो तो ये आपको थोड़ा कम बजट में पड़ जाता है. आपको जैसे एक नॉर्मल गाड़ी ले लो, बार बार उसकी सर्विसिंग करवाओ, ऑयलिंग करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ, बहुत झंझट है. लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बार ले लो तो उसकी सर्विसिंग बहुत टाइम के बाद होती है, और इसका जो बैटरी रहता है ये भी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन वाले अब तो आने लग गए हैं. अभी गवर्नमेंट बैटरी की इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा कम कर रही है, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्ट और गिर जाएंगे. सो दैट्स अनदर बिग एडवांटेज. बात करूँ मैं मेरे नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है रिड्यूस्ड नॉइस पोल्यूशन. जी हाँ, अगर आपने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर ट्रैवल किया होगा या आपके आसपास से अगर कभी गुजरी भी होगी, तो आपने नोटिस किया होगा यार कि इसमें आवाज़ बिल्कुल नहीं आती. आपको फील ही नहीं होगा कि यार सीरियसली इतना मीन्स ये सच में चल भी रहा है या नहीं चल रहा है. आपको तब वो फील होगा जब आप सच में उसको स्टार्ट करेंगे या चलाने का ट्राई करेंगे, तब पता चलेगा हाँ भाई गाड़ी सच में चल रही है. आवाज़ इसमें बहुत ज़्यादा कम रहती है, तो नॉइस पोल्यूशन बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है, जो कि भाई बड़े शहरों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है कई बार. अब बात करूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है लो कॉस्ट बैटरी. जी हाँ, अभी तो गवर्नमेंट भाई बहुत, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके अपना रही है ताकि बैटरी की जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ है वो कम की जा सके, बैटरी का कॉस्ट कम किया जा सके. और बेसिकली एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में सबसे ज़्यादा मेन चीज़ बैटरी ही होती है, सो बेसिकली उसका कॉस्ट भी कम हो जाएगा. और इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिक कंपनीज भी पूरा ट्राई करती है कि वो जो बैटरी यूज़ करी है वो एटलीस्ट व्हीकल में 10 ईयर्स तक एटलीस्ट चल जाए, 300-500 साइकिल्स ईजिली निकल जाए उसके. सो दैट्स वन मोर एडवांटेज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, कि एटलीस्ट आपको 10 साल तक आपकी बैटरी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो गाइज दैट्स इट फॉर नाउ, ये वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ. और गाइज आपको क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल एडवांटेजेस है या डिसएडवांटेजेस, आपको क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा. और इस वीडियो का पार्ट 2 भी जरूर आएगा, जल्दी आएगा, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट. और गाइज अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अगर आपको लगता है कि वीडियो ज़रा भी यूजफुल है तो. और गाइज ज़्यादा कुछ नहीं, बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.